Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Waqas Aziz. आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. हम ये डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई, सिंपल सोसाइटी थी फिर आगे आते आते कम्प्लेक्स कैसे बन गई. एज यूजुअल हमारे पास एक आउटलाइन होनी चाहिए कि अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो आउटलाइन पहले देखें. हंटर गैदरर सोसाइटी, पेस्टोरल, हॉर्टिकल्चरल, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट मॉडर्न और एल्गोरिथमिक एरा. अब आए सबसे पहले हंटर गैदरर सोसाइटी के ऊपर. मैं आप लोगों को फीचर्स बता दूंगा और आप इसको नोट भी कर लें इन फीचर्स को, लेकिन पहले इसको समझें कि ये है क्या. तो फीचर्स लिखे हुए हैं हर सोसाइटी के नीचे, उसके फीचर्स भी लिखे हुए होंगे. तो देखें, हंटर गैदरर सोसाइटी ये वो सोसाइटी है जो लोग केव्स में रहते थे, इनिशियल स्टेजेस थे, ठीक. अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी है, स्मॉलेस्ट साइज है, एक फैमिली पे मुश्तमिल होते थे, ठीक. फैमिली बैंड्स होते थे, एक फैमिली है आगे चल के दूसरी फैमिली है, इस तरह ये लोग रह रहे थे. स्पेंट मोस्ट टाइम इन सर्च फॉर फूड, इनका ज्यादा जो टाइम था वो इसी चीज में निकल जाता था कि हमें सिर्फ जाना है शिकार के लिए और वहां से शिकार को लाना है ताकि हम अपनी सर्वाइवल के लिए फूड को यूज कर सकें, ठीक हो गया. नोमेडिक थे, हालात ठीक है, इन्वायरमेंट ठीक है, फूड मिल रहा है तो वहां पे स्टे करेंगे. अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, फेवरेबल नहीं है और कोई और ऐसे पोटेंशियल थ्रेट भी है जानवरों की तरफ से तो वहां से मूव कर जाते थे. नो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे इन द सेंस जेंडर की बेस पे, मर्द भी जा रहा है काम करने के लिए शिकार ढूंढने के लिए तो औरत भी जा रही है शिकार ढूंढने के लिए. डिवीजन ऑफ लेबर नहीं थी कि मर्द कहेगा कि मैं जाता हूं तुम कोई और काम करो, नो, दोनों मर्द भी जा रहा है औरत भी जा रही है. मीट ईटर्स थे, स्टार्टिंग एवोल्यूशन का जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज था जब लोग क्या करते थे हंटर गैदरर वाले, ये गोश्त खाते थे, ठीक हो गया. नो मटेरियल पोजेशंस, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि भाई हमारे पास कोई वैल्यूएबल आइटम हो जिसको हम अपने पास स्टोर रखें और उसके बाद में हम इसको यूज करें, ये कंसेप्ट नहीं था. इगेलिटेरियन थे, सब इक्वल बेसिस पे थे, ठीक हो गया. इगेलिटेरियन कहते हैं इक्वल बेसिस पे, जहां पे कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप ना हो. नो सीवियर डैमेज टू एनवायरनमेंट, अब हंटर गैदरर ने कोई ऐसा पोटेंशियल डैमेज एनवायरनमेंट को कॉज नहीं किया. फिर हंटर गैदरर से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई, उसका थोड़ा एडवांस लेवल नजर आता है, वो है पेस्टोरल सोसाइटी, जिसे हर्डिंग सोसाइटी भी कहते हैं. अब इसके फीचर्स देखें, टेमिंग एनिमल्स, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पालना शुरू किया एज अ पेट, ठीक. रिलेटिवली लार्जर इन साइज, इन सोसाइटीज से थोड़ा उनका साइज बड़ा था, लेकिन स्टिल नोमेडिक थे, हालात ठीक हैं तो स्टे करेंगे नहीं तो मूव कर जाएंगे. लाइफ स्टॉक फॉर फूड, जो मवेशी इन्होंने रखे हुए थे अपने पास तो वो उसको एज अ फूड इस्तेमाल करते थे जब इन्वायरमेंट ज्यादा खराब है, आप शिकार के लिए नहीं जा सकते तो वो इसी को एज अ फूड इस्तेमाल करते थे जो एनिमल्स इन्होंने अपने पास डोमेस्टिकेट किए हुए होते थे. बिगनिंग ऑफ इनइक्वेलिटी, देखें यहां से एक नेगेटिव चीज इन सोसाइटीज में आने लगी, वो थी इनइक्वेलिटी. किसी के पास पोजेशन ज्यादा है, ज्यादा एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेट किए हुए, किसी ने कम किए हुए डोमेस्टिकेट, ठीक हो गया. तो इनइक्वेलिटी यहां से नजर आती है. स्लाइट ट्रेडिंग इन सोसाइटीज में एक ये फीचर भी था कि बिल्कुल स्लाइट लेवल पे ट्रेडिंग करते थे. किसी के पास बकरियां हैं तो अगर उसे मुर्गी चाहिए तो वो अपनी एक बकरी दे के वहां से 10 मुर्गियां ले ले, तो ये स्लाइट ट्रेडिंग भी नजर आती है. डिस्प्यूट्स ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कहते हैं चरने के लिए, जो ग्रीन प्लेस होती है जहां पे जानवर चरते हैं घास वगैरह या इस तरह पौधे वगैरह हो, तो यहां पे डिस्प्यूट नजर आता था कि जब डोमेस्टिकेट किया हुआ है एनिमल्स को, उनको जब ले जाते थे वहां पे चरने के लिए तो अगर वहां पे कोई और आ जाए अपने एनिमल्स को लेके तो थोड़ा डिस्प्यूट आ जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि यार ये इस एरिया में मेरे एनिमल्स चरने के लिए आएंगे, आपके आप अपने एनिमल्स को क्यों लाए हो, ठीक. इनिशिएशन ऑफ सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब यहां से
उनके जहनों में एक कंसेप्ट इमर्ज होने लगा, वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, और उनके लिए वैल्यूएबल आइटम थे एनिमल्स। ठीक हो गया। इनिशिएशन ऑफ पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और यहां से एक और कंसेप्ट भी इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है हमें, जो कि था मेल डोमिनेंस का। पेट्रियार्कल कहते हैं मेल डोमिनेंस को, के मर्द ये कहता था कि मैं जाता हूं शिकार के लिए, एनिमल्स ढूंढता हूं लाता हूं क्योंकि हमने इनको जमा करना है, और औरत को ये ड्यूटी असाइन कर दी गई कि आपने क्या करना है, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, इनका टेक केयर करना है। तो देखें डिवीजन ऑफ लेबर जेंडर बेसिस पे भी नजर आ रही है। ठीक। नो डैमेज टू इन्वायरमेंट, इन्होंने भी कोई ऐसा पोटेंशियल डैमेज कॉज नहीं किया इन्वायरमेंट को। अब पेस्टोरल के बाद फिर एक और एडवांस लेवल नजर आता है जो कि है हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चरल कहते हैं हॉर्टिकल्चरल साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। ये लोग सेमी नोमेडिक थे, थोड़ा ज्यादा स्टे करते थे, जैसे हंटर गैदरर या पेस्टोरल नोमेडिक थे, ये सेमी नोमेडिक थे, इनका स्टे थोड़ा ज्यादा था। ठीक। एक जगह पे स्टे ज्यादा था। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, इन्होंने प्लांट्स की काश्तकारी स्टार्ट की। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेस्टोरल सोसाइटी से जो कंसेप्ट आया था कि हमने एनिमल्स को इकट्ठा करना है, रखना है, पालना है, तो वो कंसेप्ट इस सोसाइटी में भी नजर आता है। डिवीजन ऑफ लेबर इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ जेंडर, डिवीजन ऑफ लेबर नजर आ रही है और थोड़ा एडवांस लेवल नजर आ रहा है डिवीजन ऑफ लेबर का। मर्द जा रहा है शिकार के लिए, या मर्द अगर खेत में काम कर रहा है तो औरत को भी ये कहा है कि आपने भी खेतों में काम करना है और जानवरों की देखभाल करनी है। आजकल आप देखें ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर जो ये कंसेप्ट, या फिल्मों में आपने देखा होगा कि औरतें भी जाती हैं खेती बाड़ी करने के लिए, वहां पे खेतों में काम करने के लिए, तो यहां से हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी से उसका आगाज हुआ था। ठीक हो गया। कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप इमर्ज्ड, यहां पे हमें लीडरशिप नजर आती है क्योंकि इनका स्टे थोड़ा ज्यादा था, तो उस ज्यादा स्टे में इनको एक लीडर चाहिए था। जो कल्टीवेशन इन्होंने करनी थी, जो लैंड का टुकड़ा जहां पे इन्होंने कल्टीवेशन करनी थी, तो जाहिर है उस पर डिस्प्यूट हो सकते हैं, कोई और बंदा आके कह सकता है कि ये लैंड का टुकड़ा मेरा है, तो उसको डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए इनको एक लीडरशिप चाहिए थी, लीडर चाहिए था। ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप यहां से नजर आता है। एफर्ट्स फॉर परमानेंट सेटलमेंट, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये सेमी नोमैडिक हैं, इन्होंने ज्यादा कोशिश की कि एक जगह पे स्टे ज्यादा किया जाए। वजह क्या थी? कल्टीवेशन, जो जमीन का टुकड़ा इनको चाहिए था जहां पे कल्टीवेशन करना चाह रहे थे। अब जमीन के टुकड़े को साथ लेके तो नहीं जा सकते थे ना कहीं, तो इसलिए उन्हें उस जगह पे थोड़ा ज्यादा स्टे करना था। तो इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, लेकिन फिर भी ये सेमी नोमैडिक इसलिए थे क्योंकि अगर हालात खराब हो गए, बारिशें ज्यादा हो रही, कल्टीवेशन नहीं हो रही, तो इन्होंने मूव करना होता था। डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट फॉर देयर परमानेंट सेटलमेंट, वही बात हो गई कि इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करते थे अपने परमानेंट सेटलमेंट को सिक्योर करने के लिए। तीन पॉइंट्स यहां पे लिख दिए। अब हम एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल की तरफ आते हैं। जी, तो आगे आती है हमारे पास एग्रेरियन सोसाइटी। अब एग्रेरियन सोसाइटी के फीचर्स देखें। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, ये ऐसी सोसाइटी थी जिनका ज्यादा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। लार्ज सोसाइटीज विद विलेजेस एंड टाउन्स, विलेज और टाउन का कंसेप्ट यहां से आना शुरू हुआ एग्रेरियन सोसाइटी से। फार्मिंग टेक्नोलॉजी, कैसे एग्रीकल्चर को मजीद बेहतर बनाया जाए, ठीक है, उसके लिए फार्मिंग टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर कमांड लाने की कोशिश की गई। क्लास सिस्टम यहां पे हमें कैसा नजर आता है? एक है लैंड ऑनर, दूसरे हैं पीजेंट्स, और जो सबसे लार्जेस्ट क्लास नजर आती है एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर वो है पीजेंट्स की। ठीक। रेजिंग फार्म एनिमल्स, वही एनिमल्स को फार्म एनिमल्स को क्या करना, रेज करना, उनको डोमेस्टिकेट करना, ठीक, उनको ट्रेड के लिए यूज करना, तो वो इस सोसाइटी में भी था लेकिन ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर था। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एज प्राइमरी मींस ऑफ सब्सिस्टेंस, तो क्रॉप्स की कल्टीवेशन के ऊपर काम किया गया। स्टोरेज ऑफ प्लांट्स, कैसे स्टोर किया जाए, ठीक,
प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पे बाकी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह इनका भी आप लिख लेंगे, कैसे स्टोर किया जाए, उसकी क्या टेक्निक होनी चाहिए, प्रॉफिट सीकिंग क्योंकि ट्रेड थी, अब इनके पास जो इन्होंने प्लांट्स के ऊपर कल्टीवेशन के ऊपर ज्यादा काम किया तो एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इनको अभी एक इफेक्टिव वे चाहिए था ट्रेड के लिए, ठीक। लेकिन उस ट्रेड के अंदर ये कंसेप्ट आना शुरू हो गया कि प्रॉफिट होना चाहिए, कितना प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। लेबर स्पेशलाइजेशन आ गई, अब खेती बाड़ी है तो उसमें देखा जा रहा है कि भाई कौन बेहतरीन तरीके से काश्तकारी कर सकता है, कौन बेहतरीन तरीके से एनिमल्स को टेम कर सकता है, कौन बेहतरीन तरीके से फार्म एनिमल्स को रेस कर सकता है, लेबर स्पेशलाइजेशन आ गई। कन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड नजर आते हैं हमें इस एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर, के जिसकी जमीन है उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट भी हमें नजर आ रहे हैं, दूसरा बंदा आ रहा है कि यार ये जमीन तो मेरी है, क्योंकि अभी मैसिव लेवल पे कल्टीवेशन करनी है तो कन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड नजर आते हैं। इन्वेजन बाय एनिमीज, जो एनिमीज हैं वो चाहते हैं कि भाई हम इसकी जो जमीन है उसको नुकसान पहुंचाएं तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये लॉस में चला जाएगा, तो इन्वेजन नजर आ रहा है एनिमीज का, ठीक। तो उस इन्वेजन की वजह से वॉरियर्स टू प्रोटेक्ट सोसाइटी, अब इस एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर कंसेप्ट आ रहा है किस चीज का, कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप भी होना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन करे, ठीक हो गया। अब इससे फिर एडवांस लेवल आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी, नेशन स्टेट्स, ये कंसेप्ट नजर आते हैं, मेगा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से अर्बन और रूरल में डिवाइड एक नजर आ रहा है। अर्बन वो सेंटर्स हैं जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं, रूरल वो इलाके हैं जहां पे ट्रेडिशनल लोग रह रहे हैं, ठीक। एडवांस टेक्नोलॉजी इन मेनी फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी नजर आ रही है। डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, जाहिर है टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाएगी उतनी डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाएगी। कोई एग्रीकल्चर में माहिर है, काश्तकारी में माहिर है, वहां पे जो क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो क्या ये इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है, स्किल है इसके पास या नहीं है, तो डिवीजन ऑफ लेबर डिटेल्ड हो गया थोड़ा। डिमांड सप्लाई चेन नजर आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई किस हवाले से, उसी हवाले से सप्लाई भी उसकी ज्यादा होगी, ठीक। ओवर क्राउडिंग नजर आ रही है, जाहिर है जिस इलाके में इंडस्ट्रीज है वहां पे लोग ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं तो वहां पे ओवर क्राउडिंग भी नजर आ रही है। कैपिटलिज्म का आगाज होता है जिनके पास पैसा है, जिन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई है, ऑनर्स हैं, और उस कैपिटलिज्म की वजह से क्लास सिस्टम कैसा आ रहा हैव्स और हैव्स नॉट का। हैव्स वो हैं जो रिच हैं और हैव्स नॉट वो हैं जो पुअर हैं, गरीब तबका है। पॉवर्टी, पोल्यूशन, ये चीजें तो साथ जुड़ी हुई हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है, उनको उनकी मेहनत के मुताबिक वेजेस ना देना, ठीक। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम नजर आ रहा है कि लोग क्या हैं, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, माइग्रेट करना है अर्बन टाउन, अर्बन इलाकों में माइग्रेट करना है, तो लोग पूरे खानदान को लेके नहीं जाते, सिर्फ अपने मियां बीवी चले गए वहां पे क्योंकि उन्हें काम चाहिए, तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है जो इकट्ठे रहते हैं हम लोग सारे रिश्तेदार मिलके, चाचा मामू, वो सिस्टम यहाँ पे अभी ऐसा ऐसा खत्म होता नजर आ रहा है। इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स अच्छे होंगे, रेलवे बनेगा, ठीक हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन नजर आ रही है। रेवोल्यूशनरी आइडियाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, के जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट्स हैं या अरिस्टोक्रेसी है, उसको खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को लाने के लिए रेवोल्यूशनरी आइडियाज आ रहे हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जाहिर बात है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो साइंटिफिक एडवांसमेंट भी साथ ही उसके आई है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का तो अपना एक स्पेसिफिक इरा था, चलता रहा। जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी से थोड़ा और मजीद एडवांस लेवल पे आए, जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोसाइटी है, जिसे मॉडर्न इरा भी कहा जाता है, इस सोसाइटी की पोस्ट इंडस्ट्रियल या मॉडर्न इरा की खास बात पता है क्या है, कि ये ग्लोबल विलेज बनाती है, ठीक। ग्लोबल विलेज बन गया, आप इंटरकनेक्टेड हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक।
बल्ज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जाहिर है सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका आगाज होने लगा। टेली कम्युनिकेशन है और एंड कंप्यूटर्स, ये इस दौर की जो मार्क्ड जो अचीवमेंट्स हैं वो नजर आती हैं। एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का आगाज हुआ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनी, इफेक्टिव मींस ऑफ एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब फ्लॉपी डिस्क थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब डीवीडी सीडीज आने लग गई स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। और एनालाइज आप कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सर्टन सोशल मीडिया भी आप कह लें कि उस टाइम अपने आगाज में था, तो उसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी कर सकते थे। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का सिस्टम आया, एक्सटेंसिव ट्रेड अमंग नेशन स्टार्ट हो गए, वाइडर वेराइटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन के पास मुख्तलिफ क्वालिटीज की और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी और लो से लो क्वालिटी की गुड्स उसको अवेलेबल थी, ठीक है। अब वो उसके अपने एवरेज पर्सन के ऊपर था कि वो कितना पे कर सकता है कोई चीज लेने के लिए। पॉवर्टी, पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये तो रहे साथ। और न्यूक्लियर वेपन्स का आगाज तो हो चुका था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स जो हमें प्रॉपर एक नजर आते हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर नजर आते हैं, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, के लोगों ने अपनी नेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। इनको नोट कर लें, एंड पे दो रह गए, पोस्ट मॉडर्न और एल्गोरिथमिक एरा, बहुत यूनिक दोनों के कंसेप्ट हैं, उनको भी देखते हैं जी। तो देखें, हम लोगों ने इंडस्ट्रियल, एग्रेरियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, इनको भी कवर कर लिया। मैं एक चीज मेरे से रह गई, पोस्ट इंडस्ट्रियल जो हमने मॉडर्न सोसाइटी का कंसेप्ट पढ़ा, जो मैंने अभी इरेज भी कर दिया, कि फेमिनिज्म का जो नजर आता है एक डेवलप फॉर्म के, भाई फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, इमर्ज हुआ, तो वो हमें इस पोस्ट इंडस्ट्रियल मॉडर्न सोसाइटी में नजर आता है। अब आ जाए पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, जिसको हाईली डिजिटलाइज्ड सोसाइटी भी कहते हैं, डेथ ऑफ मॉडर्निटी भी कहते हैं, और इसके बाद आती है पोस्ट पोस्ट मॉडर्न। लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा है, ये वो सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस इतना नहीं है, जब इसको आप स्टडी करें तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। देखें, हाईली डिजिटलाइज्ड सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है अमंग स्टेट्स, ठीक हो गया, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसीज कर रही है स्टेट्स, ठीक हो गया, एडवांस्ड फॉरेन पॉलिसीज आ रही हैं, इंटरेस्ट बेस्ड है ज्यादा, कि फॉरेन पॉलिसी में ये होगा, देखा जाएगा कि यार मेरा क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट सिक्योर हो रहा है, ठीक हो गया, लीथल न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, ये ज्यादा से ज्यादा अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कल ईरान में साइबर अटैक हुआ है, हाइब्रिड वॉरफेयर, इसका भी एक दौर चल रहा है, ठीक हो गया, कि आप इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करें किसी के अगेंस्ट, ठीक, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, LGBTQ राइट्स हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इनके राइट्स वगैरह की अभी बातचीत चल रही है ज्यादा इस दौर में, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ज्यादा डेवलप फॉर्म में नजर आ रही हैं। जब आप यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल या मॉडर्न की, तो उसमें जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट लेवल कंट्रीज हैं, उनके अंदर आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स नजर आती हैं। लेकिन जब आप पोस्ट मॉडर्न या ये जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें जब आप देखते हैं, तो आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी इमर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं और ऑफर भी की जा रही है कि आप आए हमारे पास पढ़ें, ज्यादा नजर आ रहा है इस दौर के अंदर, पोस्ट मॉडर्न दौर के अंदर, ठीक। ई लर्निंग का कंसेप्ट आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन है, ई कॉमर्स का कंसेप्ट आ गया, ऑनलाइन जॉब्स का आ गया, लोग फाइवर, अपवर्क, इसके थ्रू बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब के लिए, सोशल मीडिया ने तो अपना एक वेब फैला दिया इस दौर के अंदर, ठीक है। अब आगे आए पोस्ट मॉडर्न, तो या पोस्ट मॉडर्न कह लें, ये वो दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, आगे क्या, क्वेश्चन ये कि आगे क्या, कौन सी सोसाइटी आने वाली है, एल्गोरिथमिक इरा आने वाला है, जिसकी प्रिडिक्शन की है किसने, युवाल नो हरारे ने अपनी बुक में 21 लेसंस फॉर 21st सेंचुरी। अब बुक बहुत बड़ी है, आप इसको स्टडी करें, आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे,
मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, इसके जो बुक के कंटेंट्स हैं जो उसको समराइज करके आपके सामने पेश कर दूंगा। अभी करूंगा तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो युवाल नोह हरारे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है। जो अगला दौर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, किस तरह ऐसा दौर होगा कि जहां पे रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे आपकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो अभी आप अच्छी तरह इनको अवेल कर रहे हो। तो जब रोबोटिक्स का दौर आएगा, जब रोबोट्स का दौर आएगा, वो इन अपॉर्चुनिटीज को टेक ओवर कर लेंगे। तो वो युवाल नोह हरारे क्वेश्चन करते हैं कि तब ये इंसान क्या करेंगे, इनके पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, सब कुछ क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो उसको मैंने कहा है एल्गोरिथमिक इरा। तो ये है आप 21st लेसन्स जो हैं फॉर 21st सेंचुरी, युवाल नोह हरारे की, उसको जरूर पढ़ें, उनको स्टडी करें। मैं इस पे एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें उसके कंटेंट्स को मैं चैप्टर वाइज डिस्कस भी कर लूंगा कि वो क्या कहते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसको स्टडी करें। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई, तो ये टोटल मैंने आप लोगों को फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बता दी। हमारी आउटलाइन भी कंप्लीट हो गई, ये देखें सारे कंप्लीट हो गए। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कैसे सिंपल से हम कंप्लेक्स की तरफ गए। तो तब तक के लिए, अभी जो नया लेक्चर आएगा उसके लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहा करें। थैंक यू।